दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कल की क्लास में हम लोगों ने करा था पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का हमारा लेक्चर 10, और कल मैंने आपको सिखाया था मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो, कल मैंने आपको बताया था ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लोग दो पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। तो कल मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मोटा मोटा पूरा सिखा दिया। कल मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। दोनों मेथड्स के हम लोगों ने क्वेश्चंस भी बना लिए थे। इसके बाद में हम लोगों ने 8 केसेस भी डिस्कस करे थे। 8 केसेस किस चीज के थे कि भाई जब हमारा पार्टनर इक्वल इंटरवल पर ड्राइंग्स करता है और हर बार इक्वल अमाउंट की ड्राइंग्स करता है, फिक्स्ड अमाउंट की ड्राइंग्स करता है, इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग पूरा सीख चुके हैं, क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी गिवन है और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्राइंग्स का अमाउंट बता दो, या फिर हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स का अमाउंट भी गिवन है, खुद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गिवन है, हमसे क्वेश्चन रेट पूछ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट बता दो। साथ ही में हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन भी करेंगे जिसके अंदर हम जर्नल एंट्रीज भी करेंगे, जिसके अंदर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। तो फटाफट से नोटबुक्स ले आओ, स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गायत्रीज मंथली ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 8% पर एनम। हमें गायत्री की मंथली ड्रॉइंग्स फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली बात, अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करते थे उन क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास में मंथली ड्रॉइंग्स गिवन होती थी ना। मैंने कहा मान लो जो पार्टनर है वो हर मंथ 5,000 रुपीज क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। ये क्या है, मंथली ड्रॉइंग्स है। इन मंथली ड्रॉइंग्स की हेल्प से हम लोग क्या करते थे, टोटल ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते थे। टोटल ड्रॉइंग्स मतलब साल भर की ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते थे, 12 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमारे पास में आ जाती थी हमारी टोटल ड्रॉइंग्स यानी कि साल भर की ड्रॉइंग्स। टोटल ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते थे, हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन होता है, फिर हम लोग क्या निकालते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते थे। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में ये 5,000 वाला अमाउंट गिवन नहीं है, हमसे क्वेश्चन मंथली ड्रॉइंग्स पूछ रहा है, हमारे पास में रेट गिवन है। केस वन क्या कहता है हमारा, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारा, when she withdrew a fixed amount in the beginning of each month and interest on drawings is 2,600। मतलब अब तक हम लोग जो चीज कैलकुलेट करते थे ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना है, 2,600। सबसे पहले लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या क्या गिवन है। हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कितना है, 8% पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमारे पास में खुद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखनी है, कितना है, 2,600। क्वेश्चन हमसे पूछता है मंथली ड्रॉइंग्स और साथ में गिवन है She withdrew a fixed amount in the beginning of each month. मतलब हर मंथ के बिगनिंग में ड्रॉइंग्स हो रही है, मतलब रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉइंग्स हो रही है, और हर बार फिक्स्ड अमाउंट की, इक्वल अमाउंट की ड्रॉइंग्स हो रही है। तो ये हमारे केसेस वाला क्वेश्चन हो गया कि रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉइंग्स है, वो भी फिक्स्ड अमाउंट की ड्रॉइंग्स है। और ये है हमारा कल की तरह केस वन कि जब हमारा पार्टनर हर मंथ के बिगनिंग में ड्रॉइंग्स कर रहा है। इस सिचुएशन में मैंने आपको बताया था हम लोग पीरियड कितना लेते हैं, इस सिचुएशन में हम लोग पीरियड लेते हैं 6.5 मंथ, 6.5 महीने। तो कैसे करते हैं, देखो याद करो, कल मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स मतलब साल भर की ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग रेट अपॉन 100, और इसे मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे थे पीरियड अपॉन 12, यही था। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे पास में गिवन है कितना है, 2,600। टोटल ड्रॉइंग्स हमारे पास में गिवन नहीं है, टोटल ड्रॉइंग्स हम कैसे निकालते हैं, जब मान लो क्वेश्चन के अंदर मंथली ड्रॉइंग्स गिवन है उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास में टोटल ड्रॉइंग्स आ जाती है। बट इस क्वेश्चन में टोटल ड्रॉइंग्स हमारे पास में गिवन नहीं है, तो सबसे पहले ऊपर ही लिख देना लेट टोटल ड्रॉइंग्स बी एक्स। टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है हमारी, एक्स है, ये एक्स हो गया। इनटू रेट कितनी है हमारे पास में, ऊपर ही क्वेश्चन के अंदर गिवन है 8% पर एनम हमारे पास में रेट है। पीरियड कितना लेंगे, जब पार्टनर हर मंथ के बिगनिंग में ड्रॉइंग्स कर रहा है, इस सिचुएशन में हम लोग पीरियड लेते हैं 6.5 मंथ्स। नीचे क्या आएगा, 12 आएगा, क्योंकि रेट जो है पूरे साल की है। समझ में आ गया। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, सबसे पहले एक काम कर दो, एक्स लिख दो, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो लिख दिया, और उसके जस्ट ऑपोजिट में क्या लिखा है, जस्ट ऑपोजिट में क्या है, 2600, वो हम लोगों ने लिख दिया।
जिसकी वैल्यू निकालनी है वो लिखा, जस्ट ऑपोजिट में क्या है इक्वल्स टू के ऑपोजिट वो वाला लिख दिया, और जो एक्स के साथ वाले हैं उन्हें रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/8, इसका हो जाएगा 12/6.5, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 100/8, और साथ वाले का रेसिप्रोकल कितना होगा 12/6.5, समझ में आ गया ना, मतलब 2600 को हम लोग इनसे डिवाइड करते, डिवाइड को फिर हम लोग दोबारा मल्टीप्लाई में चेंज करते, तब रेसिप्रोकल ही करते ना, तो सिंपली हम लोगों ने डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, कर दो सॉल्व, 2600 इंटू 100 इंटू 12, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से, अगेन डिवाइड करेंगे 6.5 से, तो ये हमारे पास में आ गया रुपीज 60,000, कितना आया रुपीज 60,000, बट ये 60,000 क्या है, ये हमारी टोटल ड्रॉइंग्स है, टोटल ड्रॉइंग्स मतलब साल भर की ड्रॉइंग्स है, हमें निकालनी है गायत्री की मंथली ड्रॉइंग्स, एक महीने की ड्रॉइंग्स, साल भर की ड्रॉइंग्स गिवन है, 12 से डिवाइड कर दो मंथली ड्रॉइंग्स निकल जाएंगी, तो मंथली ड्रॉइंग्स कितनी होंगी हमारे पास में 60,000 पूरे ईयर की ड्रॉइंग्स है, 12 से डिवाइड कर दिया मंथली ड्रॉइंग्स आ गई हमारे पास में रुपीज 5000, इजी सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया कैसे हम लोगों ने गायत्री की मंथली ड्रॉइंग्स फाइंड आउट करी। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, व्हेन शी विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अब पहले वाले में क्या हो रहा था, हर मंथ के बिगनिंग में ड्रॉइंग्स हो रही थी, अभी भी इक्वल अमाउंट की ड्रॉइंग्स हो रही है, फिक्स्ड अमाउंट की ड्रॉइंग्स हो रही है, बट हर मंथ के एंड में हो रही है, हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन है 5500, इस सिचुएशन में हम लोग पीरियड कितना लेते हैं, याद करो कल करा था, ये हमारा केस टू है, इस सिचुएशन में पीरियड होता है 5.5 मंथ, जब हर मंथ के एंड में ड्रॉइंग्स हो रही है, तो अगेन हम लोग सेम चीज करेंगे, यहां पर कर देते हैं हमारा बी वाला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकालते हैं, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 और साथ में पीरियड अपॉन 12, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना है 5500 है, तो ये आ गया 5500, टोटल ड्रॉइंग्स हम लोगों ने एक्स अज्यूम करी है, रेट है 8%, पीरियड हम लोग कितना लेंगे हर मंथ के एंड में है तो 5.5, क्लियर हो गया, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड वाला लिख दिया 5500, और x के जो साथ वाले हैं उन्हें रेसिप्रोकल कर दो 100/8 इंटू 12/5.5, कोई दिक्कत यहां तक, क्या होगा 5500 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 5.5, तो ये हमारे पास में आ गया हमारे पूरे साल की ड्रॉइंग्स 1,50,000, हमें निकालनी है हमारी मंथली ड्रॉइंग्स, कैसे निकालेंगे, जो भी हमारी पूरे ईयर की ड्रॉइंग्स है 1,50,000 उसे 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो इसे 12 से डिवाइड करके हमें कितना मिलेगा रुपीज 12,500, इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन था, समझ में आ गया किस तरह से करा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सुरुचि'स क्वार्टरली ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एट द रेट 8% पर एनम। देखो पिछले क्वेश्चन में हमसे गायत्री की मंथली ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में पूछी गई थी, इस क्वेश्चन में पूछा गया है सुरुचि की क्वार्टरली ड्रॉइंग्स बता दो, अगेन हमारे पास में रेट गिवन है 8% पर एनम। सबसे पहली बात, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है अप्रैल मई जून, देन उसके बाद में जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर, देन थर्ड होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और लास्ट होता है जनवरी फरवरी मार्च, तो हर ईयर 4 क्वार्टर्स होते हैं। मान लो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्वार्टरली ड्रॉइंग्स गिवन होती तो हम टोटल ड्रॉइंग्स कैसे निकालते, सिंपल 4 से मल्टीप्लाई करके, मंथली ड्रॉइंग्स गिवन होती है तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्वार्टरली ड्रॉइंग्स गिवन होती है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। रेट हमारे पास में गिवन है, क्या कहता है हमारा फर्स्ट पार्ट, when she withdrew a fixed amount at the end of each quarter and interest on drawings is 4800, again हमारे पास में interest on drawings given है, यहाँ पर सुरुचि क्या कर रही है, हर quarter के end में drawings कर रही है fixed amount की, समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग हमारा formula लिखते हैं, क्या है formula, interest on drawings का formula क्या है, total drawings मतलब साल भर की drawings, उसे हम लोग multiply करते हैं रेट अपॉन 100 से, और उसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पीरियड, इसे हम ड्यूरेशन भी बोल सकते हैं, अपॉन 12 से, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना है 4800, हमारे पास में टोटल ड्रॉइंग्स तो गिवन नहीं है, तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह लेट कर लेते हैं, लेट टोटल ड्रॉइंग्स बी एक्स, टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है हमारे पास में एक्स है,
इनटू हमारे पास में रेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 8% अपॉन 100। यहाँ पे पीरियड क्या लेंगे? देखो जब भी पार्टनर क्वार्टर के एंड में ड्रॉइंग्स करता है, इस सिचुएशन में हम लोग पीरियड लेते हैं 4.5 मंथ्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल हम लोगों ने सारे केसेस पढ़े थे, क्वार्टर के बिगनिंग में, क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर के मिड में। जब भी पार्टनर क्वार्टर के एंड में ड्रॉइंग्स करता है तो हम पीरियड कितना लेते हैं? 4.5 मंथ्स। तो 4.5 अपॉन 12, समझ में आ गया। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू ऑपोजिट वाला लिखते हैं 4800। साथ वालों को रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 8 और ये हो जाएगा 12 अपॉन 4.5। सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है, 4800 इंटू 100 इंटू 12, डिवाइड करेंगे 8 से, अगेन डिवाइड करेंगे 4.5 से, तो ये हमारे पास में x की वैल्यू आ रही है ₹1,60,000। अब ये क्या है? टोटल ड्रॉइंग्स है, मतलब पूरे साल की ड्रॉइंग्स है। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर? क्वार्टरली ड्रॉइंग्स। तो हम निकालेंगे हमारी क्वार्टरली ड्रॉइंग्स। एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो सिंपली हम लोग हमारी पूरे साल की ड्रॉइंग्स को क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गई हमारे पास में 40,000 हमारी क्वार्टरली ड्रॉइंग्स। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर? सेम पहले वाले जैसा ही क्वेश्चन है, उस वाले के अंदर मंथली ड्रॉइंग्स पूछी थी, इस वाले के अंदर क्वार्टरली ड्रॉइंग्स पूछ ली। चेंज सिर्फ यहाँ पर है, पहले 12 से डिवाइड करा था, इस बार 4 से डिवाइड करा है। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? व्हेन शी विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ कर रही है। तो कल हम लोगों ने देखा था, जब भी हर क्वार्टर के मिडिल में या फिर हर मंथ के मिडिल में ड्रॉइंग्स होती है, इस सिचुएशन के अंदर हम लोग पीरियड कितना लेते हैं? 6 मंथ्स का पीरियड लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना गिवन है? 8,000 गिवन है। कैसे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन है 8,000। हम लोगों ने मान लिया हमारी टोटल ड्रॉइंग्स एक्स है, रेट हमारे पास में गिवन है 8 अपॉन 100। यहाँ पर हम लोग टाइम लेंगे 6 मंथ्स का, क्योंकि क्वार्टर के मिड में ड्रॉइंग्स हो रही है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा? 8,000, साथ वालों को रेसिप्रोकल कर दो, 100 अपॉन 8 इंटू 12 अपॉन 6। कितना आ रहा है? 8,000 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8, अगेन डिवाइड करो 6 से, तो ये हमारे पास में आ गया ₹2,00,000। ये क्या है? पूरे साल की ड्रॉइंग्स है। हमें क्वार्टर की ड्रॉइंग्स निकालनी है, तो क्वार्टरली ड्रॉइंग्स कितनी हो जाएंगी? क्वार्टरली ड्रॉइंग्स, जो भी हमारे पूरे ईयर की ड्रॉइंग्स है, उसे हम सिंपली क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास में आ गई हमारी क्वार्टरली ड्रॉइंग्स कितनी? 50,000। कोई दिक्कत इस तरह के क्वेश्चन के अंदर? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। सी और डी एक फर्म के अंदर पार्टनर्स है। सी की बात करी गई है, सी विड्रू 15,000 पर क्वार्टर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। जो सी है वो हर क्वार्टर के अंदर 15,000 के ड्रॉइंग्स करता है, वो भी हर क्वार्टर के बिगिनिंग के अंदर। तो सबसे पहली बात, हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर क्वार्टरली ड्रॉइंग्स गिवन है। क्या गिवन है? क्वार्टरली ड्रॉइंग्स गिवन है, हर क्वार्टर की ड्रॉइंग्स गिवन है। कितनी है क्वार्टरली ड्रॉइंग्स हमारे पास में? 15,000, समझ में आ गया। सी हर क्वार्टर में कितने की ड्रॉइंग्स कर रहा है? 15,000 की। तो हम लोग इजीली टोटल ड्रॉइंग्स निकाल सकते हैं, ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा नहीं है। यहाँ पर इजीली हम लोग टोटल ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वार्टर में 15,000 की ड्रॉइंग्स हो रही है, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो पूरे साल में कितने की ड्रॉइंग्स होंगी? 60,000 की ड्रॉइंग्स होंगी, समझ में आ गया ना। एक क्वार्टर में 15,000 की ड्रॉइंग्स हो रही है, पूरे साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे साल की ड्रॉइंग्स आ गई 60,000। ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे पास में गिवन है 4,500। लिखा है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वॉज कैलकुलेटेड एट 4,500 एट द एंड ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे पास में गिवन है कितना है? 4,500। अरे भाई, इस क्वेश्चन के अंदर तो ये भी गिवन है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में गिवन नहीं है। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100, आगे दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, पीरियड अपॉन 12, समझ में आ गया। अब क्या करना है हमारे पास में? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना है? 4,500 है, समझ में आ गया। टोटल ड्रॉइंग्स भी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में गिवन है, कितनी है? 60,000 है। हमारे पास में क्वार्टरली ड्रॉइंग्स गिवन थी, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल ड्रॉइंग्स आ गई। रेट हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यही हमें फाइंड आउट करना है, तो ऊपर ही लिख देना, लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बी एक्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? x है, x अपॉन 100।
इनटू पीरियड कितना लेंगे, अब ध्यान से समझना। यहाँ पर ड्रॉइंग्स हो रही हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्रॉइंग्स हो रही हैं, तो इस सिचुएशन में हम लोग पीरियड लेते हैं 7.5 मंथ्स। याद आ गया ना, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्रॉइंग्स हो रही है, पीरियड कितना लेंगे 7.5 मंथ्स। इधर हम लोगों ने देखा था हर क्वार्टर के एंड में ड्रॉइंग्स हो रही थी, पीरियड हम लोगों ने लिया 4.5 मंथ्स। हर क्वार्टर के मिडिल में ड्रॉइंग्स हो रही थी, पीरियड हम लोगों ने कितना लिया 6 मंथ्स। समझ में आ गया, यहाँ पर हो रही है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्रॉइंग्स, तो पीरियड ले लिया 7.5 मंथ्स। अगेन हमें x की वैल्यू निकालनी है, x हमारा क्या है, रेट है, तो 4500 हम लोगों ने लिखा जो भी ऑपोजिट के अंदर है। साथ वालों को रेसिप्रोकल कर दो, 60,000 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये हो गया 1/60,000, रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना। यहाँ पर 100 नीचे है, डिनोमिनेटर में है, इसे हम ऊपर ले गए, नीचे कुछ नहीं है तो चाहे 1 लिख दो, इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया 12/7.5। समझ में आ गया, करते हैं सबसे पहले 00 से ये 00 कैंसिल कर दो और इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल कर दो, आसान हो जाएगा। तो हमारे पास में है 45 × 12, ऊपर क्या है हमारे पास में 45 × 12, नीचे क्या है हमारे पास में 6 × 7.5 करके देखते हैं कितना आ रहा है, इसको भी काट दो, 6 × 2 = 12, तो ये हो गया 45 × 2 / 7.5, तो ये हमारे पास में रेट आ गई है 12% पर एनम। समझ में आ गया क्या करा, क्वेश्चन के अंदर क्वार्टरली ड्रॉइंग्स गिवन थी, 4 से मल्टीप्लाई करा, टोटल ड्रॉइंग्स मिल गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी क्वेश्चन में गिवन था, सब कुछ पुट कर दिया, रेट को हम लोगों ने एक्स अज्यूम कर लिया था, तो हमारे पास में रेट की वैल्यू आ गई। अब एक कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, ध्यान से समझना, कंप्लीट क्वेश्चन है। एबीसी आर इन पार्टनरशिप, एबीसी पार्टनरशिप के अंदर है, 1 April 2021 को इनकी कैपिटल्स कितनी कितनी है, ए की कैपिटल 5 lakh है, क्रेडिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। हम लोग हमेशा जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तब ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि वो फेवरेबल बैलेंस होता है, तो क्रेडिट क्या है, फेवरेबल बैलेंस है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बी की कैपिटल 3 lakh है, क्रेडिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट नेचर होता है। लेकिन सी की कैपिटल का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग कौन सी साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, अभी करेंगे तब समझ में आएगा। As per partnership deed, interest on capital is to be allowed at the rate 6% per annum. Interest on capital 6% per annum partners को दिया जाएगा और partners से interest on drawings लिया जाएगा 8% per annum. You find that हमें पता चलता है साल भर क्या हुआ? 1 July 2021 को A withdrew 1 lakh against capital. अच्छा, अब ये समझने के लिए सबसे पहले मैं एक टॉपिक समझाती हूँ, उसे ध्यान से समझो, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। देखो, ड्रॉइंग्स दो तरह की होती है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, ड्रॉइंग्स दो तरह की होती है, एक होती है हमारी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, क्या, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, और एक होती है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। ड्रॉइंग्स दो तरह की होती है, एक होती है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक होती है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब याद करो, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, मैं कहती हूँ पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है, जब भी पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तब हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तब हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है हमारा करंट अकाउंट, ऐसा ही करते हैं। तो इसी तरह से बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लो ये हमारे पार्टनर्स के नाम आ गए, ये अगेन पर्टिकुलर्स हैं और हमारे पार्टनर्स के नाम है, ए बी हमारे पार्टनर्स हैं, बीच में डेट का भी बनता है, मैंने डेट का नहीं बनाया। अब याद करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन तो हम लिखते ही थे, उसके बाद में यहाँ पर आता था बाय बैंक अकाउंट, आता था ना बाय बैंक अकाउंट, इस बाय बैंक अकाउंट का मतलब क्या होता है, एडिशनल कैपिटल, कि हमारा जो पार्टनर है वो बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल लेकर आया है, यही होता है इसका मतलब। सेम ऐसे ही यहाँ पर हम लिखते थे टू बैंक अकाउंट, इस टू बैंक अकाउंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पार्टनर ने अपनी कैपिटल को परमानेंटली बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, तो इसे बोला जाता है परमानेंट विड्रॉवल ऑफ
कैपिटल कि हमारे पार्टनर ने परमानेंटली बिजनेस से अपनी कैपिटल को क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। याद आ गया ना, कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक का मतलब एडिशनल कैपिटल, टू बैंक का मतलब है परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। अब ये जो परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, एक और हम लोग यहाँ पर दिखाते थे टू ड्रॉइंग्स। ठीक है, टू ड्रॉइंग्स, ये जो सिंपली ड्रॉइंग्स लिखा गया है, इन ड्रॉइंग्स को बोला जाता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आ गया? ये जो टू बैंक होता है परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, इसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये जो सिंपली टू ड्रॉइंग्स लिखा हुआ होता है, इन्हें बोला जाता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सिर्फ इन ड्रॉइंग्स पर कैलकुलेट करा जाता है, इन ड्रॉइंग्स पर ये कैलकुलेट नहीं करा जाता। परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल पर, यानी कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं? टू ड्रॉइंग्स पर करते हैं, यानी कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर यहां पर आ जाता है हमारा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सिंपली मुझे यही बता रहा था। अब अगर पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, इस सिचुएशन में हम लोग दो कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट और एक होता है हमारा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग दो ही चीजें दिखाते हैं बैलेंसेस के अलावा, एक तो बाय बैंक एडिशनल कैपिटल और एक टू बैंक यानी कि परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। लेकिन करंट अकाउंट के अंदर हम लोग दिखाते हैं हमारी टू ड्रॉइंग्स साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो मेन चीज याद रखना, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ये सिर्फ इन ड्रॉइंग्स पर लगता है, इन ड्रॉइंग्स पर नहीं लगता, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल पर नहीं लगता। ये सिर्फ किस पर लगता है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पर लगता है। एक और बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स को देते हैं, तब मैंने बताया था अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है तो उस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते ना, माइनस कर देते हैं। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाल रहे थे शुरुआत में, हम लोगों ने बेसिक्स में सीखा था, तो इन ड्रॉइंग्स को हम लोग विड्रॉवल की तरह कंसिडर नहीं करते। विड्रॉवल के अंदर हम लोग सिर्फ इन्हीं ड्रॉइंग्स को कंसिडर करते हैं, टू बैंक वाली को। समझ में आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालते टाइम पर हम लोग सिर्फ टू ड्रॉइंग्स को कंसिडर करेंगे, टू बैंक वाली को कंसिडर नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम निकाल रहे हैं, इस सिचुएशन में हम लोग इन ड्रॉइंग्स को कंसिडर नहीं करेंगे, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ इन ही ड्रॉइंग्स को माइनस करते हैं जिन्हें बोला जाता है परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन पर आओ, क्या कहता है क्वेश्चन? On 1st July 2021, जो A है वो 1 लाख रुपीस विड्रॉ कर लेता है अगेंस्ट कैपिटल। तो ये क्या है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। इसे हम ड्रॉइंग्स नहीं बोलते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? टू बैंक अकाउंट। ये परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है। समझ में आ गया? जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ना, उस टाइम पर हम इसे माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम पर हम इसे माइनस करेंगे। बी जो है वो 5000 पर मंथ विड्रॉ करता है ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल 5000 पर मंथ विड्रॉ करता है, मतलब पूरे साल हो गया ये हमारा 60,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर नहीं दे रखा ना अगेंस्ट कैपिटल, तो ये हमारी नॉर्मल ड्रॉइंग्स है जिसे हम लोग बोलते हैं टू ड्रॉइंग्स। क्लियर हो गया ना? यहाँ पर अगेंस्ट कैपिटल वर्ड गिवन नहीं है। सी विड्रू करता है 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, अगेंस्ट कैपिटल यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो ये भी हमारी सिंपल ड्रॉइंग्स है, टू ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम सिर्फ किस पर लगाएंगे? एक तो बी पर और एक सी पर। समझ में आ गया? और ए का क्या काम है? जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उस टाइम पर हम इस 1 लाख को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। प्रॉफिट्स हमारे पास में गिवन है 3,84,000। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, साथ ही हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो करते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज पास। देखो, सबसे पहली बात, हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो ओपनिंग बैलेंस की तो कोई जर्नल एंट्री होती नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का काम कब होता है? जब ईयर हमारा एंड होता है, यानी कि 31st मार्च 2022 को इनका काम होगा। बट साल के बीच में 1st जुलाई 2021 को ए ने क्या कर ली? कैपिटल को विड्रॉ कर ली। समझ में आ गया? मतलब ये कौन सा काम है? ये वाला काम है, टू बैंक वाला। ए ने कैपिटल विड्रॉ करी है, तो इसकी एंट्री बना लो क्या होगी? टू बैंक लिखा है, मैंने बताया टू वाला हमेशा एंट्री के अंदर क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है। तो इसकी सिंपल सी एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। नॉर्मली कैपिटल क्रेडिट होती है, बट यहां पर एक ही कैपिटल कम हो रही है, तो हम लोगों ने डेबिट करा। क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। बहुत ही सिंपल है एंट्री पास करना। टू बैंक अकाउंट हम लोगों ने एज इट इज लिखा। कौन से अकाउंट के अंदर लिखा जा रहा है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखा जा रहा है, एक ही बात हो रही है, तो हम लोगों ने लिख दिया एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया? तो सबसे पहली बात, 1st जुलाई का काम करते हैं। ये हम लोग बना रहे हैं हमारा जर्नल बना रहे हैं। यहाँ पर डेट आ जाती है, ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, लेजर फोलियो कुछ नहीं करना इसका हमें, ये हमारा
डेबिट बैलेंस का अमाउंट और ये हमारा क्रेडिट बैलेंस का अमाउंट। सबसे पहली एंट्री हम लोग करेंगे 2021 फर्स्ट जुलाई की बात है। जो ए है वो परमानेंटली अपनी बिजनेस से कैपिटल निकाल रहा है, तो ए की कैपिटल कम हो गई, डेबिट कर दो। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, साथ में क्या होगा, टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया किस तरह से मैंने एंट्री पास करी है। अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपीस अमाउंट है। कोई दिक्कत किस तरह से एंट्री पास करी है, सिंपल आप यहां से देख सकते हो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद में हमारे पास में बी और सी की ड्रॉइंग्स गिवन है, सिंपल ड्रॉइंग्स हैं, ये परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल नहीं है। इसके लिए हम लोग सिंपल सी एंट्री क्या करते हैं, जैसे मान लो ए की जगह भी बी की बात हो रखी है, तो हम लोग लिखेंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसे हम लोग टू बैंक तो लिख नहीं सकते, उसे हम लोग क्या लिखेंगे, टू बीस ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू बीस ड्रॉइंग्स अकाउंट। बट उसका काम अभी हम लोग करेंगे। अब क्या है, आगे हमारे पास में प्रॉफिट्स गिवन है, तो यहाँ पर हमारे पास में ड्रॉइंग्स की डेट गिवन नहीं है, तो ये सारा का सारा काम हम लोग कब करेंगे, जब ईयर हमारा एंड हो रहा है 2022 31 मार्च, क्योंकि हमारे पास में डेट गिवन नहीं है। सबसे पहले बी की ड्रॉइंग्स का काम करते हैं। बी जो है 5000 पर मंथ विड्रॉ करता है, तो पूरे साल की ड्रॉइंग्स कितनी हो जाएंगी, 60000 की हो जाएगी। तो बी की कैपिटल कम हो गई, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये ड्रॉइंग्स है, सिंपली टू ड्रॉइंग्स लिखने की बजाय लिखो टू बीस ड्रॉइंग्स अकाउंट, कोई दिक्कत। अमाउंट कितना आएगा हमारे पास में, 60000, कोई दिक्कत इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्या गिवन है, सी 60000 रुपीज विड्रॉ करता है पूरे साल के अंदर। ये भी सिंपल ड्रॉइंग्स है हमारे पास में, 31 मार्च को ही एंट्री होगी, तो सी की कैपिटल कम हो गई, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये भी हमारे पास में कितना है, 60000 है। समझ में आ गया। और किस किस चीज की हम लोग अब जर्नल एंट्रीज करेंगे, क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ जर्नल एंट्रीज करने हैं, यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आएंगे, यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट्स बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, ए का कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ए जो है वो परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल करता है 1 जुलाई को, इसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर कंसिडर करते हैं। मैंने बताया था ये परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है, तो हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, मतलब अप्रैल में जून 3 महीने तक तो ए की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख थी, लेकिन 1 जुलाई से ए ने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, तो ए की कैपिटल कितनी हो गई, 4 लाख रुपीज हो गई। समझ में आया ना, हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट गिवन है 6% पर एनम। तो सबसे पहली बात हम निकालेंगे अप्रैल, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का 2021 कितनी कैपिटल थी हमारे, ए की कैपिटल थी 5 लाख, फिर बाद में 1 लाख रुपीज क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए, तो 5 लाख इंटू 6% कितने मंथ्स के लिए निकालना है, अप्रैल में जून 3 मंथ्स के लिए, तो 3/12 ऐसे ही पढ़ा था हम लोगों ने पहले, कितना आएगा, 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 3/12, तो ये हमारे पास में आ गया रुपीज 7500। समझ में आया। उसके बाद में हमें दोबारा निकालना है 1 जुलाई 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का, तो अब हमारी कैपिटल 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, पहले 5 लाख थी तो अब 4 लाख हो गई, इंटू 6/100 कितने मंथ्स के लिए निकालेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गया हमारा 9 मंथ्स के लिए, तो 4 लाख इंटू 6/100 इंटू 9/12 ये आ गया हमारे पास में 18000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, ए का टोटल कर दो 7500 को प्लस कर दो, तो ये हमारे पास में आ रहा है 25500। कितना आया, 25500, कोई दिक्कत यहां तक। किस तरह से हम लोग एंट्री पास करेंगे, ध्यान से देखना, सेम डेट पे एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये प्रोवाइड करने की एंट्री है, क्योंकि फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, हम लोगों ने डेबिट करा, किसे पे कर रहे हैं, ए को, तो लिखो टू एस
कैपिटल अकाउंट, ए को कितना मिल रहा है यहाँ पर अमाउंट देख लो 25,500, तो ये आ गया 25,500। लेकिन हम लोग बी को भी पे करेंगे, बी को भी पे करेंगे क्योंकि बी का बैलेंस भी कैसा है, क्रेडिट है। सी को पे नहीं करेंगे क्योंकि सी की कैपिटल का बैलेंस क्या है, नेगेटिव है, डेबिट बैलेंस है। बी का कितना है हमारा कैपिटल का अमाउंट, 3 लाख है, क्रेडिट बैलेंस है और बी अपनी कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉ भी नहीं कर रहा। 3 लाख हमारे पास में है तो निकाल देते हैं इसका, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा बी का, कितना है 3 लाख अमाउंट है, 3 लाख इनटू हमारे पास में रेट गिवन है 6% और बीच में कोई विड्रॉवल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पूरे साल का निकलेगा। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 18,000 बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दोनों को लिख देते हैं, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल अकाउंट कितना आ गया 18,000, दोनों को टोटल कर दो, ये 43,500 फर्म का क्या है एक्सपेंसेस, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे ट्रांसफर करना है, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पीएडएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, याद करो। तो ये डेबिट था, इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कैंसिल करने के लिए ट्रांसफर करें ना, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कौन से अकाउंट के अंदर गया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया है, डेबिट हो गया है, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है 43,500 एक एक्सपेंस है। कोई दिक्कत यहां तक किस तरह से मैंने करा। अब आगे हमें काम किसका करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का काम करना है। ड्रॉइंग्स ए नहीं कर रहा, ए का तो क्या था, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल था, ड्रॉइंग्स बी और सी कर रहे हैं। तो अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए क्या है, इनकम है, लेकिन पार्टनर्स की जेब से पैसा जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, याद कर लो सारी की सारी एंट्री। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितनी कितनी ड्रॉइंग्स थी, दोनों की 60,000 ड्रॉइंग्स थी, तो यहां पर लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, किस किस का निकाल रहे हैं, बी का फाइंड आउट कर रहे हैं। ड्रॉइंग्स कितने की थी, 60,000 की ड्रॉइंग्स थी, हमारे पास में ड्रॉइंग्स के लिए भी रेट गिवन है 8% क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पर ड्रॉइंग्स की डेट गिवन नहीं है, जब डेट गिवन नहीं होती है तो हम 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा हमारे पास में 60,000 इंटू 8 / 100 इंटू 6 / 12, तो ये हमारे पास में आ गया 2,400। सेम ऐसे ही सी की ड्रॉइंग्स भी कितने की थी, 60,000 की, सेम वही ड्रॉइंग्स के लिए रेट गिवन है 8% और हमारे पास में डेट गिवन नहीं थी, तो 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा 2,400। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया 2,400, तो ये 2,400 इसकी जेब से गया, 2,400 इसकी जेब से गया और टोटल कितना हो गया हमारे पास में 4,800। ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करा था पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर, सेम वैसे ही इसे भी ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट हो रहा है, इसे अगेन हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए क्या है, इनकम है 4,800। इसके अलावा कोई काम, इसके अलावा एक काम और होता है, बहुत अच्छे से याद करना। सबसे पहले हम लोगों ने परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल की एंट्री करी, फिर बी की ड्रॉइंग्स की एंट्री करी, सी की ड्रॉइंग्स की एंट्री करी, ये दो एंट्रीज हम लोगों ने कर दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, दो एंट्रीज हम लोगों ने कर दी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट्स कितने के हैं, 3,84,000। मैं कहती हूँ मान लो रफ के अंदर मैंने एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ये हम लोगों ने एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, मान लो रफ के अंदर बना के देख लो। यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, हमारे प्रॉफिट्स लिखते थे, यहां पर ऐसे ही करते थे ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं ब्रैकेट में लिखवाती थी नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। तो इसके अंदर हम हमारे प्रॉफिट्स लिखते थे, प्रॉफिट्स कितने के थे, 3,84,000 के। तो मान लो ये 3,84,000 के हम लोगों ने प्रॉफिट लिख दिए। फिर फर्म क्या दे रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म कितना दे रही है, ये पीछे हम लोगों ने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था 43,500। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और साथ में फर्म के पास में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ रहा है,
कितना आ रहा है दोनों पार्टनर्स का मिला के 4,800। इसके अलावा कुछ नहीं है, सैलरी कमीशन वगैरह। फिर हम लोग क्या करेंगे, टोटल करके देखते हैं। टोटल करके देख लो, 384,000 में प्लस करा 4,800, तो ये आ रहा है 388,800। यहाँ पर भी यही लिखा 388,800। अब इसमें से इसे माइनस कर दो, तो हम लोग माइनस करेंगे 43,500, तो ये हमारे पास में आ रहा है 3,45,300। ये क्या है, टू नेट प्रॉफिट है, जो किसके पास में जाएंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किस किस के कैपिटल अकाउंट के अंदर, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीस कैपिटल अकाउंट, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। तो सिंपली इसे तीन पार्टनर्स हैं, हम थ्री से डिवाइड कर देते हैं, तो हर पार्टनर को मिलेगा 1,15,100। 1,15,100, 1,15,100। अब हम लोगों ने इसकी एंट्री कर दी, हम लोगों ने इसकी एंट्री कर दी, हम किसकी एंट्री करेंगे, हम इसकी एंट्री करेंगे। इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री थी। कर देते हैं एंट्री पास, क्या एंट्री होगी हमारे पास में, स्पेस नहीं है, एक बार मैं इरेज कर देती हूँ बाकी सारी एंट्रीज को। तो हमारे पास में यहाँ पर एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, किस किस को मिल रहा है, टू एस कैपिटल अकाउंट, जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है हमारे डिविजिबल, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। कितने कितने मिल रहे हैं इन सबको, 1,15,100, 1,15,100, 1,15,100। टोटल कितना आ रहा था इनका, हम लोगों ने पीछे देखा था 3,45,300। कोई दिक्कत किस तरह से एंट्रीज पास करते हैं। अच्छा, एक चीज की एंट्री पास नहीं करी, उसकी आप लोग कर देना, ये वाली एंट्री, जब प्रॉफिट्स की हम लोगों ने शुरुआत वाली एंट्री नहीं करी थी, तो इसकी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही एंट्री होती है ना, तो ये वाली शुरुआत वाली एंट्री भी कर देना। इस एंट्री को कहां पर करोगे, सबसे पहले हम लोग कौन सी एंट्रीज करेंगे, सबसे पहले ये तीनों एंट्रीज करेंगे, उसके बाद में वो वाली एंट्री कर देना प्रॉफिट ट्रांसफर वाली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और लास्ट एंट्री आ गई हमारे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। हो गई सारी की सारी जर्नल एंट्रीज। अब हम बनाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है हमसे, कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स भी बनाओ। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ऊपर लिख देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा डेबिट साइड, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड, यहां पर आएगी डेट, ये पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए बी सी, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स ए बी सी। सबसे पहले हम लोग हमारा ओपनिंग बैलेंस उतारते हैं, तो ए का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट नेचर का है, बी का भी क्रेडिट नेचर का है, लेकिन सी का डेबिट नेचर का है, तो इसे हम ऑपोजिट साइड में उतारेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखो 2021, कब की बात है, 1 अप्रैल की बात है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। कितना कितना गिवन है, ए का हमारे पास में गिवन है 5 लाख, याद है ए का तो मुझे, बी का कितना है हमारे पास में 3 लाख, बी का आ गया 3 लाख। ये दोनों तो क्रेडिट बैलेंस थे, फेवरेबल बैलेंस थे, लेकिन इधर की तरफ हम लोग सी का लिखेंगे, क्योंकि उसका बैलेंस हमारे पास में कैसा गिवन है, डेबिट बैलेंस गिवन है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका, सिर्फ सी का, इसका हमारे पास में गिवन था 40,000। समझ में आ गया क्या होता है क्रेडिट और डेबिट का, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में आएगा, अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो डेबिट साइड में आएगा। अब हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले 1 जुलाई वाला काम हमें करना है, तो 1 जुलाई जो ए है वो परमानेंटली अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर हम लोग लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, इसे हम लोग यहां नहीं लिखेंगे, ये आ गया टू बैंक अकाउंट। ए ने 1 लाख रुपीज क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए, ये काम कब हुआ है, 1 जुलाई को हुआ है, ब्रैकेट में लिख देना परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, कोई दिक्कत,
उसके बाद में नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, बी ने और सी ने ड्रॉइंग्स करी हैं, तो ये भी कहा आएगा टू बी इज ड्रॉइंग्स अकाउंट, टू सी इज ड्रॉइंग्स अकाउंट, कितने कितने की 60,000 की, तो ये आ जाएगा हमारा ईयर एंड होने पर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास में टाइम गिवन नहीं है, तो 31 मार्च को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू बीज ड्रॉइंग्स अकाउंट टू सीज ड्रॉइंग्स अकाउंट, स्पेस कम है तो राइटिंग थोड़ी सी घिचपिच हो रही है, कहां कहां पर आएगा, बी के अंदर बी का अमाउंट आ जाएगा 60,000 और सी के अंदर सी का अमाउंट आ जाएगा 60,000, इसके अलावा और क्या आना चाहिए, इसके अलावा याद करो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, जो चीजें पार्टनर्स को मिलती हैं वो कौन सी साइड में आती हैं, क्रेडिट साइड में आती हैं, तो 31 मार्च हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, मैंने इरेज कर दिया, तो यहाँ पर ए को मिल रहा था 25,500, कितना मिल रहा था 25,500, बी को कितना मिल रहा था, बी को मिल रहा था 18,000, तो ये दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सी को नहीं मिलेगा क्योंकि सी का बैलेंस कैसा है, नेगेटिव है। उसके अलावा फर्म पार्टनर से क्या ले रही थी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले रही थी, वो कौन सी साइड में आता है, डेबिट साइड में आता है क्योंकि पार्टनर्स के लिए खर्चा है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना कितना ले रही थी, सिर्फ बी और सी से ले रही थी, कितना 2400 और 2400, क्योंकि ए ने ड्रॉइंग्स नहीं करी, ए का परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल था, तो 2400 और 2400, समझ में आ गया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, याद करो जो प्रॉफिट्स थे वो किसको मिल रहे थे, एबीसी को मिल रहे थे, हम लोगों ने पीछे एंट्री भी करी है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, तो हम लोग सिंपल सा यहां पर लिखाते हैं जो भी चीजें पार्टनर्स को मिलती हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना कितना मिल रहा है 1,15,100 सबको, तो 1,15,100 ये मिला 1,15,100 और इसे भी मिला 1,15,100, एक बार चेक कर लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस तीनों के लिख दिए, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल ए का आ गया, ड्रॉइंग्स बी और सी की आ गई, आईओसी मिल रहा है, आईओडी पार्टनर से लिया जा रहा है और प्रॉफिट्स में से शेयर मिल गया, बस अब टोटल कर सकते हैं, ए का टोटल कितना आ रहा है 5 लाख प्लस 25,500 प्लस 1,15,100, तो ये हमारे पास में आ रहा है 6,40,600, ठीक है। अब बी का कर देते हैं, कितना आ रहा है 3 लाख प्लस 18,000 प्लस 1,15,100, तो ये हमारे पास में आ गया 4,33,100। एक काम करते हैं, सबसे पहले इधर भी लिख देते हैं 6,40,600 और यहां पर हम हमारा बैलेंस लिख देते हैं, ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन हमारा क्लोजिंग बैलेंस, 6,40,600 में से सिर्फ 1 लाख माइनस करेंगे और कुछ भी नहीं है, तो ये आएगा 5,40,600, ठीक है। इधर आ रहा है 4,33,100, कितना आ रहा है 4,33,100, 4,33,100, इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना है 60,000 है प्लस 2,400, इन दोनों को माइनस करेंगे हम किसमें से 4,33,100 में से, तो ये हमारे पास में आ रहा है 3,70,700। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा इधर है हमारे पास में 1,15,100 सिर्फ, इसे हम लोग यहां पर लिख देंगे 1,15,100, इन तीनों को टोटल करो 40 और 60 हो गया 1 लाख, ये हो गया 1,02,400, 1,02,400, इसे हम माइनस करेंगे किसमें से 1,15,100 में से, तो ये हमारे पास में आ रहा है 12,700। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, एक कंप्लीट क्वेश्चन था। आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो अपने वर्किंग नोट के अंदर, उसके बाद में जर्नल एंट्रीज भी पास कर सकते हो, बट डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज पास करनी नहीं आती। इसी के साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब कल की क्लास में हम लोग करेंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद में दो टॉपिक्स और रहते हैं, एक रहता है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट और एक रहता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, और उसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो यहां तक का अच्छे से पढ़ के रखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।